माशाल्लाह से नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है और हम भी व्लॉग में हाजिर हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज जो है 9 मुहर्रम का दिन है और तो आज जो दिन है हर बंदा जो है खैरात भी करता है, बिल भी चलाते हैं, यानी कि जगह जगह पे जो भी मुसाफिर जा रहे होते हैं उनको रुकवा के पानी पिलाते हैं। अबू जान पैसे देकर गए घर, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना आप भी थोड़ा सा जो है ना कुछ पका के खैरात कर दो, छोटी सी जितनी हमारी फुर्सत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारा शफाता फरमाए जब विलाद से नेक्सरी औलाद शुरू करता है सुबह का व्लॉग रहना हमारे साथ साथ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, और जो है पूरा वाश करें इसकी बिल्कुल नहीं करना। जो भाई भाई हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तक हमारी आने वाली न्यू वीडियो जो आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर वाले भी सब ठीक हैं, और आप सब बहन भाइयों की दुआएं, जो बीमार अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बेऔलाद अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह सुबह का भी लोग रहना अपने हमारे साथ साथ। आज की वीडियो जो होने वाली बहुत ही मज़ेदार। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे छोटे से रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नवा चुके हैं जल्दी जल्दी से कर दिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर और बेल आइकन को जो कर दे प्रेस, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज आप तक बहुत बहुत आसानी से पहुँच सके। तो माशाल्लाह से नई सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है और हम भी व्लॉग में हाजिर हो चुके हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आज जो है 9 मुहर्रम का दिन है, और बहुत ही ये दिन जो होते हैं 9 और 10 का दिन बहुत ही गमगीन दिन होते हैं। वैसे तो हम सुनी हैं, वैसे ये जो दिन होते हैं जो है ना बहुत ही गमगीन होते हैं। तो आज जो दिन है हर बंदा जो है खैरात भी करता है इन अशूरों के महीने में, हाँ सबील भी चलाते हैं, यानी कि जगह जगह पे जो भी मुसाफिर जा रहे होते हैं उनको रुकवा के पानी पिलाते हैं। तो अम्मी जान आप कहाँ जा रहे थे? चलें जी, अम्मी जान जा रही है मेरे नानू लोग के घर, और आज उनके वो भी खैरात कर रहे हैं मेरे नानू जान के नाम की। हाँ तो सब बच्चे भी जाएंगे, लेकिन खैरियत को जो है अभी देर है, वो तो है तकरीबन अम्मी 2 बजे। अब्बू जान जी चले गए कब्रगुस्तान मुझसे पहले, तो मैं जो है थोड़ा सा लेट उठाऊ, वो फिर चले गए थे। मेरा जो कज़न है ना, मुझे पता चला है वो उनको लेकर गया, वो जो है ना अब्बू जान पैसे देकर गए घर, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना आप भी थोड़ा सा जो है ना कुछ पका के खैरात कर दो, छोटी सी जितनी हमारी फुर्सत है। तो अभी जो है अम्मी मैं जा रहा हूँ दुकान पर, बुशरा का दूध वगैरह लेना है, बच्चों के बिस्कुट भी लेने हैं, और क्या पकाए अम्मी? मीठा बनाए। चलें जी, अम्मी जान कह रही है कि मीठा बना लो, तो मीठा बनाते हैं, और जो जो हमारे यानी के नज़दीक करीबी हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार से अलावा भी जो हमारे पड़ोसी हैं उनके घर में जो है भिजवाएंगे। चलो ठीक है, आपने चलना है या अंदर बैठ रहे हो आप? चलें जी अम्मी जान और बच्चे जो अंदर बैठे हुए हैं, मैं जा रहा हूँ दुकान पर, वहाँ से सामान लेकर आता हूँ। मैं बाइक पर जाता हूँ ताकि जो है जल्दी आ जाऊँ, और गर्मी जो है जी बहुत ही ज्यादा है, पसीना जो है आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखिए मेरे सारे कपड़े जो है गीले हो गए हैं। हाँ उसकी वजह यही है ना कि अम्मी गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो आप बैठो अंदर। हाँ मैं आ रहा हूँ। चले जी हम बाइक निकाल लें, आदिल पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है? वो स्टार्ट होगी बाइक, वो दरवाजा खोलो, बंद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान वगैरह जो है मैं लेकर आ गया हूँ, और बेगम साहिबा जो इधर बहर झाड़ू लगा रही थी, लगा लिया? आधा रहता है यार, गर्मी बहुत है, मैं तो कहता हूँ बाद में लगाना, असर से पहले लगा लेना, दिन गर्म हो गया, बस थोड़ी सी रहती है। ये देखिए जी दूध भी आ गया, और उसके बाद महरीन इधर बिस्कुट खा रही है, और शेना ये मैं सूजी लेकर आया हूँ इसमें, और चीनी भी आ गया, घी तो हमारे पास है। तो ये सूजी जो आपने बनानी है, ज्यादा पतली भी नहीं करनी और ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी, दरमियानी बनानी है,
और बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी है, फिर जो है इसके ऊपर दुआ शरीफ पढ़ के फिर जितने में हमारे नज़दीक नज़दीक घर है ना उनको भी देंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, और जितने बहन भाई देखने वाले हैं उन सब के लिए भी हम लोग दुआ करवाएंगे और अपने लिए भी दुआ करवाएंगे। ठीक है महरीन, बिस्कुट खा रहे हो? हाँ चलो आप दूध वगैरह गर्म कर लो पहले, ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि गर्मी है ना, ये कच्चा दूध है। ठीक है, और ये सामान भी शाम के रख दो, अभी दूध गर्म करके पकाओगे ना, पहले ये अपना ये इसको जो है ना रख दो कहीं पर छानने में रख दो। सूजी देख लेना साफ है या इसमें कोई कंकर वगैरह, क्योंकि चेक कर लेना जी, देख ले। ठीक है, बड़े बर्तन में डाल के चेक करो इसको। आदिल आपका नानू कहाँ गया, किधर गया है? कब्रिस्तान। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। आज जो हम बना रहे हैं सूजी, हाँ आपको भी खिलाऊंगा, खाओगे फिर दुआ करोगे। चलो ठीक है। ओ माशाल्लाह, इधर जी बेगम साहिबा भी आ गई है किचन में, और उसके बाद अम्मी जान भी आ गई है हमारे साथ साथ, और इधर हो रही है सूजी की भुनाई जी। अभी जी इधर सूजी का हलवा तैयार किया जा रहा है, आग वगैरह माशाल्लाह से अच्छी खासी जली हुई है। चलें जी जल्दी जल्दी से जो है इसको तैयार करो, फिर आपको पता है कि ये हमने तकसीम करना है टाइम के साथ जी, बस थोड़ी सी देर है बनाई, बहुत सारा लेके आए हो, मैंने कहा अपने बच्चे भी खा लेंगे और जो है बहर भी तकसीम करेंगे और दुआ भी करवाएंगे। अम्मी जान भी अभी रुक गई है, वो कह रही है ये तकसीम करवा के फिर जो है मैं जाऊंगी। ठीक है अम्मी, बाद में चले जाना, वैसे तो वो देर से है ना। मैं देर से बैठी है ना, पकड़ने तो। हाँ आप बड़े हो ना घर के, चलो ये जो है ना फिर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ चले खैर, अभी ये थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाएगी। अभी ये देखो ना सुर्ख लाल होने लग गई है ये। हाँ बस थोड़ी सी देर, अभी पानी डालते हैं। अभी पानी ऐड करोगे? हाँ। चलो इसको लगता है तल लग रहा है शेना। हाँ सही है, ब्राउन तो होगी अम्मी देखो। ठीक है हाँ। हाँ? हाँ। ज्यादा फिर जो है ना नीचे इसको तल लग जाएगा, जल जाएगी। वो देखो ना जलने लग गई है, क्योंकि पतीला जो है ये बारीक है, मोटा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो 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 हो, ध्यान के साथ। आग बहुत तेज थी ना, इसलिए भुनाई भी जल्दी जल्दी से होगी इसकी। अच्छा थोड़ी देर के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हाँ ये जल्दी बन जाती है। चलें ये पानी जो है इसके अंदर महरीन पानी भर चुका है, अभी ये कम है और डालना है। महरीन बेटा ये ले जाओ। अच्छा चलो जुबैर आ गया है, जुबैर इसमें ना पानी भर के ले आओ। ठीक है, चीनी पूरी हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारी है, एक किलो से थोड़ी सी कम है। देखो आग कितनी तेज है, पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। चलें जी चीनी भी इसके अंदर ऐड हो गई है जी। पानी आ गया, ओ फुल भर दिया। हाँ सूजी बहुत है, बहुत सारी है। चलें जी देखे, मुझे तो लगता है आपने ज्यादा पानी ऐड कर दिया है। ज्यादा नहीं है, पूरा है अम्मी। अच्छा ये फूट जाएगी? थोड़ी देर के बाद पानी हो जाएगा, इसलिए तो मैंने बहुत सारी लिया, मैंने कहा ताकि जो है ना काफी लोगों तक ये जो है ना सवाब का काम है पहुँच सके। जितने घरों में ये जाएगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। आग थोड़ी आगे करो शेना, ये देखो ना बहर आ गया। ना
अभी पानी इसका खुश्क हो जाएगा, जैसे ये गाड़ी हो गया ऐसे समझो ये बन गई। सूजी बनाने में यानी कि इतना टाइम नहीं लगता हमें, ये भुनाई वाला टाइम लगता है। अच्छा, जो अभी हो गया इसकी बुनाई, मतलब भुनाई हो गया और जल्दी पक गया। अच्छा, जैसे इसका पानी खुश्क होगा ये गाड़ी हो जाएगी, उसके बाद ये रेडी पानी खुश्क। अच्छा, हाँ ये तो है, तो प्यारे बहन भाइयों जितनी हमारी फुर्सत थी हमने उसके हिसाब से जो है ये हलवा लिया है और ये बना रहे हैं और ये तकसीम करेंगे। अगर ज्यादा फुर्सत होती तो फिर ज्यादा करते, लोग तो देंगे पकवाते हैं शेना। हाँ जी, तो हमारे पास थोड़ी फुर्सत थी इसलिए जो हमने जितना हमसे हो सका है, लेकिन हमने ये नहीं किया कि हम ना करें खैरात, इसलिए जो है मैंने कहा जितनी भी हमारी फुर्सत है जितनी अल्लाह पाक ने हमें दी है उतनी जो है कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि आप बता रहे हो मेरे मामू लोग कर रहे हैं ना, उनकी फुर्सत है। मामू जान जो है वो व्यापार करते हैं ना माल का, हाँ तीन बंदे साथ मिल के कर रहे हैं, हम तो अकेले कर रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, बस ये होता है कि अल्लाह पाक ये दुआ करें कि सिर्फ ये भी हमारा जो है ना कबूल फरमाए, जो चीज़ हम अल्लाह के यानी कि राह के ऊपर दे रहे हैं। जरूरी नहीं होता खैरात बड़ी करो या छोटी करो, हवा भी चल गई जी। पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब जो है ना ये देखो हवा चलना स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। इसको कितने देर लगेगी शेना? बस आधा घंटा। नहीं, बस एक घंटा नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे जैसे आपने बताया ना बस, मैंने समझा बस 5 मिनट में रेडी है। चलो ठीक है बन ही जाएगी। कितनी देर में बन जाएगी? हाँ, गाड़ी हो रही है ऐसा ऐसा, ये बढ़ती जा रही है अब तो। पहले तो ऐसे लग रहा था ये यानी कि जो है ना आपने ज्यादा पानी ऐड कर दिया। जब ये रेडी हो जाएगी फिर जो आप सब बहन भाइयों को दिखाएंगे कि ये कैसे बन गए। पहले तो मैं भी जो है ना हैरान हो गया, मैंने कहा शेना ने पता नहीं आज क्या कर दिया, सारा पानी ऐड कर दिया। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह करे बन जाएगी। बस आज की देर है, आज जल्दी जाए तो जल्दी बन जाएंगे। लकड़ियाँ वगैरह और मंगा लो ना। जुबैर, लकड़ी तो ले आओ। जुबैर भाई गया हुआ है लकड़ी लेने के लिए। धुआं हो गया है। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मक्की हो गए ना मका कैसे कैसे। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
تو یہ جو ہے نا نعت شینا مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے, اور یہ جو ہے نا زندگی کے لمحوں کے بارے میں اس کے چند الفاظ ہیں جو بنائے گئے ہیں. کہتا ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلی, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن زاہد نے دھوکے میں ڈالا. ہوئے ہوئے جب یہ میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں سے پانی آ جاتا ہے. شہینا آج نا آپ نیم والی لکڑیوں کے اوپر بنا رہے ہو یہ حلوہ, مجھے لگتا ہے کہ کڑوا نہ ہو جائے. انہی نیم والی لکڑیوں پر. عمیر بھائی, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ باہر جا رہا تھا. حلوہ تیار ہو رہا ہے یار, میں بھی آ جاؤں گا نا. آ نہیں جاؤ گے, بن گیا. اس کو 10-15 منٹ کے اندر یہ ریڈی ہے. کہیں دور جا رہے ہو؟ نہیں. ہاں کہاں دور؟ چلو جلدی آنا, اور پھر یہ ریڈی ہے. پھر جو ہے دعا کرنی ہے ہم سب لوگوں نے, ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بھائی کو بتا دو, پھر بھائی چلا جائے دور, تو پھر بعد میں کہ بتایا بھی نہیں یاسم بھائی نے. اور باقی کے بچے تو ویسے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. چلو آپ اس کو ریڈی کرو, اتنی دیر میں جو ہے میں نظام سیٹ کرواتا ہوں, پلیٹیں وغیرہ اکٹھی کرواؤں, کیونکہ بہر بھی دینی ہے, وہ بھی پلیٹیں اکٹھا کر لینا. پلیٹیں جو ہے ہمیں کافی ساری چاہیے, اور ادھر بشرا کا دودھ بھی میرے خیال میں رکھا ہوا ہے. جیسے یہ وہ ایسے ہو جائے گا نا, جیسے آپ یہ ادھر رکھو گے, نیچے اتارو گے پتیلا حلوے والا, پھر رکھ دینا دودھ کو, یہ گرم ہو جائے گا, اور آپ اتنی دیر میں یہ پلیٹوں میں تقسیم کر لینا, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ, یہ دیکھیں جی سوجی کا آدھا پتیلا جو ہے یہ ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں پلیٹوں کے اندر بھی ماشاء اللہ سے شہینا نے تقسیم کر دیا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ, یعنی کہ کافی ساری پلیٹوں کے اندر بھی شہینا نے تقسیم کیا, اور ابھی بھی کافی سارا جو ہے نا ہماری یہ جو حلوہ ہے ابھی بھی رکھا ہوا ہے, وہ اپنے یعنی کہ بچوں کو دیں گے, اور یہ جو پلیٹوں میں تقسیم کیا یہ جو ہے ہم نے ہمسایوں کو سب کو دینا ہے. کتنی پلیٹیں ہیں شینا؟ 10 ہیں 12 ہیں؟ تقریباً یہ 13 پلیٹیں ہیں جی, 13 پلیٹیں ہیں. اور اس کے بعد جی میں نے جی اپنی کزن کو بلایا, وہ ویڈیو میں تو خیر نہیں آتی, اور اس کا بعد یہ بات ہے کیونکہ وہ جو ہے نا قرآن پاک کا اس نے 2-3 دفعہ نا ختم کر لیا ہے, تو اس لیے اس کو بلایا میں نے, کہا آؤ ختم شریف پڑھ دو ہمیں, پھر جو ہم تقسیم کریں گے, اور اس کے بعد جو ہم بھی دعا کریں گے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ابھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انتظار. تو ماشاء اللہ سے ختم شریف کے لیے جو ہے میری کزن جی آ گئی, اور ایک پلیٹ جو ہم نے ان کو دے دی ہے, اور ختم شریف جو ہے پڑھنا اس نے اسٹارٹ کر دیا ماشاء اللہ سے, اور باقی کا جو ہے نا انتظار ہیں, اور اس کے بعد پھر دعا کروائیں گے. تو ختم شریف جی ماشاء اللہ سے پڑھ لیا ہے, اور اس کے بعد جو اب دعا مانگی جا رہی ہے, سب لوگ دعا مانگ رہے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو بے شک بخش والا ہے, یا اللہ ہم سب کی تمام تمام خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا دے, ان شاء اللہ کو خیر کرا کر, اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنا, ان شاء اللہ.
بوڑھے ان کے بچے تک ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ، ماں باپ بہن بھائی سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہت دے، سب کو بہت سارا خوشی ہو. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جی، اب جو ہے یہ پلیٹیں اٹھاتے ہیں اور جو ہے شہنا اپنا جو ہمارے کزن آئی ہوئے ان کے گھر بھی بھجوا دو، اور جتنے یہ ہماری جو اپنی گلی ہے نا اس کے اندر جتنے گھر ہیں جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے وہاں تک یہ پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ جتنی پوری ہو سکے جن جن کے گھر پہنچ سکے. ہاں زبیر، حمیر اور میں بھی جاتا ہوں، اور دو دو پلیٹیں جو اٹھا لیتے ہیں پھر سب کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر واپسی پہ آ کے ہم لوگ کھائیں گے، پہلے یہ تقسیم کرتے ہیں. چلیں جی اٹھاتے ہیں. ہاں جی دے دیا عمر بھائی. چلیں جی جتنے بھی ہمارے یعنی کہ گھر ہیں ہماری گلی کے اندر، یہ دیکھیں جی وہ سامنے سے ہماری گلی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ادھر تک پہنچ چکے ہیں. یہ پلیٹیں جو ہیں سب کو دے کر اپنی خالی کر لی ہیں کیونکہ پلیٹیں تاکہ گم نہ ہو جائیں. چلو آ جاؤ، سب کو دے دیا. چلے جی آ جاؤ، چلتے ہیں اب گھر کی طرف. الحمدللہ جی پہنچ چکے ہیں گھر واپس، اور بہت ہی یعنی کہ اچھا نظام ہو گیا ہے، سب کے گھر میں جو ہے پہنچ چکا ہے کھانا، اور اب جو ہے اپنے لیے بھی ڈال لیا ہے، اور ابو جان بھی قبرستان سے واپس آ گئے ہیں. تجھے نے ساری لپائی کر لی؟ ہاں جی بیٹا. ماشاء اللہ، کوئی رہ تو نہیں کی؟ نہیں بیٹا، جو ہمارے رشتے دار تھے وہ سارے نے ہم نے لپائی کر دی ہے. اچھا تیرے ماموں بھی تھے، ہم بھی تھے. صحیح، میرے ماموں لوگ بھی آئے ہوئے تھے. سب لوگ آئے تھے، دور دور سے آدمی آئے ہیں بیٹا. ہاں تو میں اس لیے رک گیا کیونکہ یہ ہم نے اپنا خرید کا پروگرام جو کرنا تھا نا، میرے ساتھ عمر تھا. ہاں تو اس نے گارا دے دیا، پانی دے دیا. صحیح. اور میں نے لپائی کر لی. اچھا سارا کام کر کے واپس آئے. ہاں جی ماشاء اللہ سب کے گھر تقسیم ہو گیا بیٹا. چلیں جی جو بہن بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں حلوے کے ساتھ وہ بھی آ کے کھا سکتے ہیں. چلو بچوں پڑھو بسم اللہ. بہت اہمیت ہوتی ہے سال کے بعد امام حسن حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے. تو لوگ جاتے ہیں قبرستان اپنے رشتے داروں کے پاس، ویسے تو ہر ہفتے جانا چاہیے مگر اتنا آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایک مہینے بعد تو جانا چاہیے. کچھ لوگ تو اتنا زیادہ دیر لگا دیتے تو اچھی بات نہیں ہے. ہم تو جب بھی جاتے ہیں قبرستان سے گزرتے ہیں تو وہاں چکر لگا کے آتے ہیں اپنے والد صاحب کو. ہاں جی تو جانا چاہیے بیٹا، دام درود جو ہے نا قرآن پڑھو، وہاں پہ تو زیادہ ثواب ملتا ہے. ہاں جی اس میں بہت سارا فائدہ ملتا ہے کیونکہ وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی اس گھر میں رہتے تھے، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے. ہاں جی یہاں سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک کے پاس ہیں. ہاں جی ہم بھی تو جانا ہے نا، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ہاں جی جب بھی ہم جاتے ہیں بیٹا ان کے لیے دعا کر. شہنا ہمارے لیے ڈال دیا؟ جی ڈال دیا. چلے جی میرا بھی آ گیا. ابو جان کا کہاں ہے؟ بس میں تھوڑا سا کھاؤں گا بیٹا. کیوں کھایا ہے آپ نے ادھر؟ نہیں میں تھوڑا سا عادل کے ساتھ کھایا. چلو ٹھیک ہے جی.